सोनिया सुनती नहीं है क्या? सोनिया। हाँ जी। आके मेरा पाँव दबा। उफ, ये मैडम जी बिना हर वक्त काम काम काम, दिन में 5-15 घंटे तो सोती हूँ, उसमें भी इतना चिल्लाती रहती है। अब नवाब दादी के पाँव दबा, गला ना दबा दूं। अरे ये क्या कर रही हो? आपने जो आपने कहा, मेरे पाँव कहाँ है? ओह, ज्यादा खींचना नहीं है। जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। कौन है? मैं आलिया और मैं शेला। अच्छा, मैडम जी से मिलना है? नहीं, तुमसे। मैडम जी छालिया और केला जी आई हैं। छालिया केला, जाओ सही तरह नाम पूछ कर आओ। सही तरीके से नाम बताओ। आलिया। शेला। चिल्लाती क्यों हो? बेरी नहीं हूँ। छालिया केला। कौन छालिया कौन केला? जाओ सही तरह नाम पूछ कर आओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ए छोरियो, सही तरीके से नाम बताओ, मेरी नौकरी निकलवानी है क्या? आलिया आलिया आलिया। शीला शीला शीला। अच्छा, कालिया कालिया कालिया। लेला लेला लेला। कौन कहे? कहीं वो शीला और आलिया तो नहीं? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था। जाओ उन्हें तमीज से लेकर आओ, वो मेरी खास दोस्त है। अच्छा, बदतमीज, ये तुमने क्या किया? आपने तो कहा था कि कमीज से लेके आओ, तो मैं लेके आई। मैंने तुम्हें तभी से ले आने को कहा था, कमीज से नहीं। ओ माफ कीजिएगा मैडम जी, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत जाहिल है, हमेशा उल्टा काम करती हो। अच्छा, हम जा रहे शॉपिंग करने, तेल के साथ पकोड़े बनाना, पानी के साथ पोछा लगाना। याद रखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तेल के साथ पकोड़े, पानी के साथ पोछा। पकोड़े और तेल के साथ पहुंचा। कौन है जी? तुम्हारी मैडम और कौन? ओ मैडम जी, आइए आइए आइए। बदतमीज जी, तुमने क्या किया? आपने तो कहा था कि पानी के साथ पकोड़े बनाना और तेल के साथ पहुंचा लगाना, तो मैंने वही किया। हमेशा उल्टा काम करती हो, मैंने तुम्हें तेल के साथ पकोड़े बनाने को कहा था और पानी के साथ पोछा लगाने को कहा था। ओ माफ कीजिएगा मैडम जी। जाओ मैडम के लिए चेयर लेके आओ। बैठिए मैडम जी। बदतमीजी, तुमने क्या किया? खराब हो जाएंगे। अब ऐसे खड़ी रहोगी या मैडम की, मैडम को कुछ खिलाओगी पिलाओगी? क्या पिएंगे, चाय कॉफी? कौन? बस ठंडा पानी ही मिल जाए तो अच्छा होगा। मैडम जी, इन स्टील वाले गिलास लाओ, शीशे वाले में। शीशे वाले में मेहमान है, कोई भिखारी नहीं है। वो फूल वाला गिलास? हाँ हाँ, वो ही फूल वाला। मैडम जी, वो तो बहुत महंगा है, इन्होंने तोड़ दिया तो? चुप करके बैठो। अच्छा, क्या? कुछ नहीं। अरे ये तो बैठ गई, अब चुप करके क्यों बैठी हो? आपने तो कहा कि चुप करके बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। जाओ मैडम के लिए पानी लेके आओ। इतनी गंदी तरीके से, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम्हें बड़ी तमीज है ना, आइए तमीज सिखाने। तुम्हारी नौकरानी तो बिल्कुल बदतमीज है, इसे मेहमानों के साथ बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले तो ये हमें अंदर नहीं आने दे रही थी, और फिर तेल के साथ पोछा लगा के हमें गिरा दिया, और फिर इसकी चेयर हटा दी, वो भी जानबूझ के इसे गिराने के लिए, और फिर इतनी गंदी तरीके से पानी लाई है। कौन पिएगा ये पानी? तो जी पी लेना, हम नहीं पियेंगे। और हम इस घर से जा रहे हैं, और तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक ये जाहिल नौकरानी इस घर में होगी। चलो चलते हैं। बदतमीजी, तुमने क्या किया? मेरे दोस्तों को नाराज कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं तो पानी लाई थी, अब वो चले गए, तो फिर मेरी क्या गलती? अच्छा मैडम जी, पानी कहाँ करूं? मेरे सर पे डालो। बदतमीजी, तुमने क्या किया? मेरे सर पे क्यों पानी डाला? आपने कहा तो मैंने डाल दिया। हमेशा उल्टा काम करती, यहाँ से चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मैडम जी यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर भी वो मुझे ही बुरा भला कहते।
करती हैं। अब मेरा यहाँ क्या काम है, अभी चली जाती हूँ।